ये मामला कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। और आपको याद होगा कि जब 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी तो 2013 में हमारी जब गवर्नमेंट आई तो ये लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और बिजली जो है वो बकायदा उसको बैलेंस किया गया। और तब पंजाब गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी सस्ते तरीन दो प्लांट्स लगाए थे RLNG बेस्ड, तो वो उस वक्त दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट्स थे। कि वज़ीर आज़म का जो मौशी इस्लाहात का एजेंडा है जिस पर वो कारबंद हैं, उसमें उन्होंने आते ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, लेस्को, गैपको, कैस्को, इनकी जो निजकारी है उस हवाले से ऐलान किया था, जिसके बाद कानून के अंदर जो SOE एक्ट है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का जो एक्ट है, उसमें तरमीम की गई और उस तरमीम के ज़रिए डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोज के अंदर इनफिशेंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोज को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मौशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है, और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरा जो बहुत अहम ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया, उसमें जो 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई 200 यूनिट के सार्फीन को, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन हैं, उनको जून जुलाई अगस्त 3 महीनों के बिलों के अंदर जो रियायत दी गई है, और ये 4 से 7 रुपए फी यूनिट उनके बिलों पर फर्क पड़ेगा। तो ये 50 अरब की खतीर रकम डेवलपमेंट का जो बजट है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSDP, उसमें से कटौती करके उसको ये आवाम की तरफ डाइवर्ट किया गया है कि ये गर्मी के महीनों में लोगों का जो बिल है वो कम आए। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो, वो ये 50 अरब रुपए की सब्सिडी हो 200 यूनिट वाले सार्फीन के लिए, जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं उस हवाले से जो हुकूमत इकदाम कर रही है, बिजली चोरी को रोकने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो इकदाम कर रही है उस पर बड़ी गहरी नज़र है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अभी कल जो फैसला किया गया कि जो बिजली के बिलों की अदायगी की आखिरी तारीख है जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, उसमें जो 10 दिन का एक एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि जहां पे ओवर बिलिंग के मामलात हैं उनको देखा जा सके, मजीद जो कोई रिलीफ हुकूमत इसमें दे सकती है उसको देखा जा सके। और देखिए, ये सियासी मसला नहीं है IPPs का, ये मसला बहुत पहले शुरू हुआ, 90s में IPPs लगे, 2000s में लगे, उसके बाद लगे, हर दौर में IPPs लगते रहे हैं। मगर मामला ये है कि इस सारे सिस्टम को आगे कैसे लेके चलना है, और ये एजेंडा वज़ीर आज़म साहब का अपना एजेंडा है, जो मौशी इस्लाहात हैं उसमें जो इकदाम किए गए थे, ये चाहे बिजली की चोरी को रोकना हो, चाहे डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना हो, चाहे सब्सिडी देनी हो, चाहे IPPs का रिव्यू हो जिसके लिए पहले से कमेटियां काम कर रही हैं। और मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब की क्यादत में जिस तरीके से वजीर तवानाई जनाब सरदार अवैस लगारी साहब ने, सेक्रेटरी तवानाई जनाब राशिद लंगड़ियाल साहब ने काम किया है, और IPPs के रिव्यू के हवाले से भी एक उनकी मशावरत चल रही है और मामला चल रहे हैं, तो ये तो वजीर अजम साहब का अपना एजेंडा है। और देखिए, कौन नहीं चाहता कि बिजली मुल्क में सस्ती हो, ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। तो वजीर अजम साहब को इसका दर्द भी है, एहसास भी है, और पहले दिन से मौशी इस्लाहात के एजेंडे पे इसलिए कारबंद थे कि फिस्कल स्पेस क्रिएट की जाए ताकि बिजली जो है वो सस्ती हो, और इस मामले पे अवाम को जितना रिलीफ दिया जा सके वो देना चाहिए। और देखिए, मैं किसी की जात पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर नज़र आता है कि कुछ लोग इसको अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बरसर इक़्तदार भी रहे हैं माजी के अंदर, और वो जब इस पे बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको एक मुस्बत पैराए में बात करनी चाहिए। एक सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से बात कर दी और पता लगा कि जी वो तो सस्ता तरीन इस वक्त बिजली प्रोड्यूस करने वाला उनका प्लांट है और उनको कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं जा रही, और ये फिर उन्हीं साहब ने जो केयर टेकर मिनिस्टर थे पहले बात की, फिर उसको क्लैरिफाई किया कि जी मैं इस बात को मानता हूँ कि जी सस्ता तरीन, और ये बिसाइड द पॉइंट, बात ये है
کہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور اس قومی اہمیت اور نوعیت کے معاملے کو مل جل کے حل کرنا ہے، اور وزیراعظم صاحب کی یہی ترجیح ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، حکومت پہلے سے اس پہ کام کر رہی ہے۔